अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे सूरतम रुकु नंबर वन की तफसीर यानी बाई इसके पूरे माल का वारिस होगा अगर कोई और साहेब फ़रीजा ना हो और अगर कोई साहेब फ़रीजा मौजूद हो मसलन शोहर तो इसका हिस्सा अदा करने के बाद बाक़ी तमाम तिरका भाई को मिलेगा यही हुक्म दो से जद बहनों का भी है यानी इन हदूद और क्यूद की पाबंदी करो जो तुम पर आयद की गई हैं इनाम मवेशी का लफ्ज़ अरबी जबान में ऊंट गायें बेड़ और बकरी पर बोला जाता है और बहीमा का इत, इतलाक़ हर चरने वाले जो पाए पर होता है मवेशी की किस्म की चरण जो पाए तो चौपाएं तुम पर हलाल किए गए का मतलब यह है कि वो सब चरिंद चरिंदा जानवर हलाल हैं जो मवेशी की नवीयत के हो, यानी जो कचलियां ना रखते हो, होंवानी ग़ा की बजाय नबातातीजा खाते हो और दूसरी हैवानी खसूसियात में मवेशियों से मुमासलत रखते हो, इसकी वजाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन अहकाम से फरमा दी है जिनमें आपली व् ने दरिंदों और शिकारी परिंदों और बुरदार ख़्ारों को हराम करार दिया है हर वो चीज जो किसी या अकीदे या तर्ज अमल या किसी निज़ाम की नुमाइंदगी करती हो वो इसका शियार कहलाएगी क्योंकि वो इसके लिए अलामते या निशानी का काम देती हैं सरकारी झंडे फौज और पुलिस वगैरह के यूनिफॉर्म, सिक्के नोट और हुकूमत हुकूमतों के शुर् हैं गिरजा और क़ुरबान और सलीब मसीहत के शुर् शुर् हैं छोटी और जिना रव, जना रवा और मंदर बरहनीत के शुर् हैं कैस और कड़ा और करपान वगैरह सिख मजहब के शायर हैं हतो, हतोड़ा और आ, अशकरियत का शिकार हैं ये सब मसलिक अपने अपने पैरों से अपने ए, इन शायर के एहतराम का मुतालबा करते हैं अगर कोई शख्स किसी निजाम के शुर्र में से किसी शुार की तोहन करता है तो ये इस बात की अलामत है कि वो दरअसल इस निज़ाम के खिलाफ दुश्मनी रखता है और अगर वो तोहन करने वाला ख़ुद इसी निज़ाम से ताल्लुक़ रखता हो तो इसका ये फाल अपने निज़ाम से इतदाद और बगावत का हम मायने हैं शारल्ला से मुराद और तमाम अलामत या निशानियाँ हैं जो शिरक और कुफ़र और दहरियत के बलमकाबल ख़ालस खुदा परस्ती के मुसलहक की नुमाइंदगी करती हो चूंकि कुफार ने इस वक्त मुसलमानों को काबा की जियारत से रोक दिया था और हज तक मुसलमान महरूम कर दिए गए थे इसलिए मुसलमानों में ये ख्याल पैदा हुआ कि जिन काफिर कबीलों के रास्ते इस्लामी मकबूजात के करीब से गुज़रते हैं इनको हम भी हज से रोक दें और जमाना हज में इनके काफ़िलों पर चापे मारने शुरू कर दें मगर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा कर इन्हें इस ख्याल से बाज़ रखा असल में लफ्ज़ नुस्ब इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद वो सब मकाम हैं जिनको गैर अल्लाह की नज़र और न्याज चढ़ाने के लिए अल्लाह ने चढ़ाने के लिए लोगों ने महसूस कर रखा हो वहां कोई पत्थर या लकड़ी की मूरत हो या ना हो हमारी जबान में इसका हम मायने लफ्ज़ आस्ताना या इस्तेहान है जो किसी बुज़ुर्ग या देवता से किसी ख़ास मुश्रकाना एहतिक से वस्ता हो ऐसे किसी अस्ताने पर जिबा किया हुआ जानवर भी हराम जानवर भी हराम हैं आज से मुराद कोई ख़ास दिन और तारीख़ नहीं है बल्कि वो दौर या जमाना मुराद हैं जिनमें ये, ये आयत नाजिल हुई थी हमारी जबान में भी आज का लफ् ज़मा हाल के लिए आम तौर पर बोला जाता है काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से मायूसी हो चुकी है यानी अब तुम्हारा दिन एक मुस्तकिल निज़ाम बन चुका है और ख़ुद अपने हाकिमाना ताकत के साथ नाफिज और कायम है कुफार इस तरफ से मायूस हो चुके हैं कि वो इसे मिटा सकेंगे और तुम्हें फिर पिछली जहलीत की तरफ वापस ले जा सकेंगे लिहाजा तुम उनसे ना मजामत का हतरा तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहा कुफार इस तरफ से मायूस हो चुके हैं वो इसे मिटा सकेंगे और तुम्हें फिर पिछली जहलीत की तरफ वापस ले जा सकेंगे लिहाजा तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो यानी इस दिन के काम और इसकी हिदायत पर अमल करने में किसी काफ़िर ताकत के गलबा और कहर और दरानंदाज़ी और मज़ामत का ख़रा तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहा अब तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि इसके अहकाम की तामील में अगर कोई कोताही तुमने की तो तुम्हारे पास कोई ऐसा अज़र ना होगा जिसकी बिना पर तुम्हारे साथ कुछ भी नरमी की जाए